क्या लीजिए खरीद अच्छा मरी गए मरी गए अच्छा अच्छा ते बड़े तेजर बकार आदमी है ते पंक्चुअल अच्छा पिंडी सैटेलाइट आने है रोज ना जी एक मिनट लेट नहीं हो अच्छा रोज आने हैं रोज आने हैं बिल्कुल ते आने अगर एक आदमी ना बशीर अहमद जनाब कसूर ने है जी ते गवर्नर ने बहनोई है अच्छा तो कदर मां याद नहीं केड़े गवर्नर ने बहनोई है ते बेहद सुलझा है और लर्नड आदमी सही है उन इतने डेढ़ साल की हेड मास्टर हैं जनाब सही हाँ सर जो फिर उन्हें दोबारा न्याजी साहब आए ना नेतुल्ला खान न्याजी नहीं वाली आए सही ते जिस वक्त टैक्स लिया है तो गुजरात तो रोज क्लास ले उन्हें अच्छा, रोज उन्होंने मैथ की क्लास है नहीं जी ते वो उन्होंने उत्थे ड्यूटी लग गई उन लैसन देने बड़ी कोशिश की देने ना होया दिसंबर जनवरी ने देने उन्होंने कहा मैंने 10th क्लास सफर कर जी उन फिर जैसे जाने बची तो फिर उन रोजाना क्लास पढ़ा के इतने आने हैं इतने अपनी क्लास पढ़ा के 11 बजे 2 बजे नमाज पढ़ पा वापस चले जाए उत्थे इतने आए तो मैं उन्होंने तो सवाल किया शाह साहब सारी दुनिया सर्विस करनी है तो इस तरह से दीनी दुनीवी लिहाज ना मजाज है तुम आराम करो मुझे इस दिन रोजी मैं हलाल करी जर मैं तो तनखा देनी इन बच्चे कितने हो जना इन बच्चे अमानत हो रहे हैं इन्होंने लफ्ज मैं बड़ा मुतासर असल में मैं उन्होंने इस बात कह की तो मेरे तो खान जी बड़ा मुतासर पहले भी बड़ा अल्लाह ताला करम किया सही लेकिन मैं सोचा ये देखो कैसे लोग करते हैं ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਾਲ ਚੋਂ ਆਏ ਫਤਿਹਜਾਨ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 60 60 ਚੋਂ ਆਏ ਆਇਆ ਤੇ 31 ਮਈ 75 ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਤੌਰ ਤੇ 271 ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ मैं उस वक्त जिस चार्ज लाया ना जी तो मैं उस सब्सटीट्यूट ने तौर पे लाया ना अच्छा परमानेंट हेडमास्टर ने वैसे मैं इंग्लिश टीचर हूं लेकिन सब तो सीनियर है सीनियर अच्छा अच्छा इस वास्ते वो इंचार्ज हेडमास्टर मैं बना अच्छा 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 जी 26 अप्रैल 60 बजे अच्छा अब्दुल हकीम साहब ने कोई पता नहीं आया इस वास्ते कौन दुई दिन से चले गए मैं जैन की कहा नहीं दुई दिन से चले गए अच्छा 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 जी ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਇਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਸਕੂਲ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ ਮੁਆ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਮਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਮਰ ਪੈਰ ਮਿਲੇਗਾ ਘਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲੁਕੇਟ ਵਾਂਚ ਕੀਤਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਈ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅੱਛਾ ਇਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੋਈ
बड़े गले ला के मिला रोया जो है भाई तू इनाम साहब मलके आजम जो वापस आयो भैया मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ मुझे तो खबर का भी पता नहीं मरने का भी पता नहीं अभी तो बिल्कुल याद हूँ और देखो बाल सफेद है इस रास्ते पे चल रहे हैं और जी बड़ी पर तकलो चाय शाह बनाई फिर भाई फिर वापस आया उस तो बाद बस एक दो दफ मैं भेजा है ना उन्होंने सारे चार पाँच घर इकट्ठे न त्रे चार बच्चे ने उन्होंने वो भी उन्होंने तो कोई जनाब उन वास्ते मूंगफलियाँ अंडे कोई पालक ने ए साग ए गंदड़ा ए उन्होंने वास्ते भेजिया गंदड़ा ने पूरा बोरा भेज कटी सारे को बड़े खुश होए हैं जी अच्छा। आ, बड़े खुश होए उन हजार उन सही इन्फॉर्मेशन से मैं तो लै लिया सब इन्होंने मतलब अच्छा फिर जरा अपने दसो पैदाइश कितने हो अच्छा तुम माड़ा जिक्र ना ही करो नहीं नहीं मुख्तसर गया मुख्तसर गया तुसा नहीं मतलब इब्तदाई दौर कितने पढ़िया ने मैं जी सनातन धर्म हाई स्कूल पढ़ा जी सनातन धर्म पहले प्राइमरी चार से माता था अपने ग्राम रंगली पढ़ा जी सनातन धर्म हाई स्कूल जी अच्छा जंड जंड अच्छा कौन हेडमास्टर है तुसा मतलब अमरनाथ लाला अमरनाथ लाला अमरनाथ 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 लोकल है या हूँ नहीं जी हूँ किसी बाहर लिया ये हूँ पता नहीं किसी ने लिया अच्छा ते साडे इंग्लिश टीचर छेवीं जमात पंजवीं छेवीं दोवें जमात असा लाला भवानी दास पढ़ा लाला भवानी दास भवानी दास हिंदू है भवानी दास जी बड़े मेरे जी उस्ताद उड़ा केड़े मसूर पढ़ाने इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाने अच्छा भवानी दास वो भी लोकल है या बाहर नहीं आए थे उन नहीं उन लोकल है ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਸੂਸਨ ਹਦਾਇਤ ਬਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੋੜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਬੜੀ ਤਵਜੋ ਦੇਣੇ ਉੱਥੇ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਾਂ 47 ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ 1947 ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੱਟੇ ਤੋੜ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਗਏ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਬਸਾਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ 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 ਬਸਾਲ ਕੁੜੀ ਹੀ ਨਜ਼ੀਰ ਆ ਉਸੇ ਕੋਈ ਸੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਵਾਲਦ 에어ਪੋਰਟ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਪਾਸ਼ਾ ਪਾਸ਼ਾ ਸੁਜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਵਾਲਦ ਜਨਰਲ ਸੁਜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਜਨਰਲ ਸੁਜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਵਾਲਦ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮੀ ਕਾਮੀ ਚਸਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਸਾਲ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਨਜ਼ੀਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਲਦ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੋਏ बहुत बड़े मौसम है कुरैश नज़ीर साहब हूँ अज सुबह तक उन्होंने वफात मुख्त दुआ करना पे माता बड़ी बड़ी उन्होंने मेहनत की स्कूल ना जना और असा अगर कुछ सिखाया ने किस काबिल होए तो वो कुरैशी साहब है वाह कुरैशी साहब स्कूल में नाम की है बसाल हाई स्कूल ना सर सिकंदर हयात हाई स्कूल एक वो ना सिकंदर साहब बनवाए है अच्छा सर सिकंदर ये उन्होंने बनवाया है हाई स्कूल बनवाया चौक के चौते बड़ा नामी ग्रामी स्कूल है उस वक्त ना अपना वहाँ जिले जो अव्वल दर्जे में शुमार होना है बड़ी वाल साहब ने खसूसी तौर पर इतने लाए मैं आख जी जान जो हम स्कूल कुरैशी साहब उसे चले गए तो अठवीं पढ़ी उसे सतवीं था हम नामी दामी वहाँ अच्छा किस साल तो मैटर कीता है मैं 50 जी 50 ते फिर अटक कॉलेज जो अटक कॉलेज अच्छा कौन है उस वक्त प्रिंसिपल अटक कॉलेज अटक सादत अली खान फिफ्टी तो लैके 51 तक मैं फर्स्ट रहा दून
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इनाम बॉम्बे अच्छा और 6 रुपए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वजीफा अच्छा उस्ताद के डर रहे उस्ताद बहुत हो गए दो है एक कमांडर ज़हूर साहब खसूसी मन की तवज्जो दी थी नजीर साहब डी आई जी मलक नजीर अजिकराफ पहलवान अच्छा अच्छा जी अजिकराफ पहलवान है तो फिर तुम एफ एज मैं फर्स्ट रहा सारे साहब तीन एफ एज फर्स्ट रहा जी तो थर्ड ईयर रोल नंबर वन है उस वक्त एफ एज फर्स्ट होना है रोल नंबर वन मिलना है अच्छा सारे प्रोफेसर वहाँ रोल नंबर वन है ना कहीं की पता है बाकी पता ही अच्छा प्रिंसिपल अब्दुल हमीद भट्ट है अब्दुल बाद डायरेक्टर भी रहे उन डायरेक्टर भी रहे जी उन जनाब जो डायरेक्टर बने तो मेरा पता लगा उन दौरे पे आए कुरैशी नजीर साहब स्पेशल एक दफा स्कूल देखने आए मैं खोल गया अच्छा बार देखने मैं गया मिलने से हंसू वाला मान दे मान वाला कुरैशी साहब बार वो मैं कहीं डंडा पर ना छोड़ दौड़ गेट खोल असी दो में गए कुरैशी साहब कहने मैं अंदर नहीं आऊँगा मैं सिविल अस्पताल जाना है चलो जी ठीक है सिवा मैं तो हसू नारे गए उतु डॉक्टर साहब हो गए बोर्ड वालों वैगन तो गए जी मैं फ्रंट सीट दो करा गया ड्राइवर तो और बंदा ना बैठा है पुलिस साहब को बैठाया और क्लीनर ने खबरदार को आदमी बैठा मैं पूछ की सब बोल के उस्ताद हरमा साहब उन्होंने जी बड़े एतराम लाया पुलिस साहब फिर स्पेशल को स्कूल देखना आए थे बड़ी दाद दी उन्होंने ठीक चल रहा तेरे मुतालिक मैंने सुना था स्कूल अच्छा चला रहा है मैं जी कुछ कोशिश कर रहा हूँ अच्छा तो नहीं कह सकता फिर जी उस तो बाद असि पुलिस साहब ने कुल रिमार्क तो बाद है पहले भी मेहनत करें ना फिर जनरल डिसिप्लिन ने पकड़ी ने तादाद ने लड़के ने तवज्जो देनी शुरू की उन्होंने फिर भट साहब आए भट साहब इतों शिकायतें हुई हैं पर चल रही तहरीर वही हमने कि भाई वर्दी ने मसले थे असा एक बार वर्दी सारे स्कूल शेजवान पठान जी क्योंकि तो प्राइवेट आप दी रिकॉर्ड अच्छा वो जनाब उस्तादा आला इमान ले चलानी उन्हें उन्होंने लड़का करना पहले सारे ऑप्शन है फैसलाबाद पे कपड़ा मिलना और वहाँ कहेंगे उस मैं आप तू बन के 2000 का ऑर्डर कर अच्छा सारा लाया जाए उसने आप गया तो ना तो स्पेशल और कलर जरा इतनी नहीं उठाया मैं 2000 का दिन पैसे ना दे सकता उन्हें ऐसा कपड़ा तैयार किया सारे लड़कियां तकसीम करके दो जनाब जैसे 14 अगस्त अपने स्काउट लेके गए नहीं रेस कोर्स से पूरी जितने वो जितने 42 स्कूल हैं स्कूल फर्स्ट जंग हाई स्कूल नंबर वन फर्स्ट टाइम इक्कीस जबानी याद नहीं गखड़ा याद अच्छा गखड़ मैं गखड़ दो हैं अच्छा अच्छा जनरल जावलाक ने दौर जावलाक असा ऑर्डर है बच्चों से जनरल साहब सलाम दुआ कुछ भी नहीं करना देना मिलना अच्छा वो जी ठीक है मैं गखड़ इधर खड़ा टेंशन खड़े आए ना खड़े हो गए आप हेडमास्टर आपकी वर्दी बहुत अच्छी है यूनिफॉर्म ने रखा अच्छा यूनिफॉर्म बहुत अच्छी सारे हाँ जी गखड़ सलूट मारा ना जी उन मिलना हो जाएगा गखड़ साहब होंगे अस मिला मामी अस मिला कितना है सामने बैठा है इस फोटी चाह गया लाओ हालांकि अलाउड नहीं है कोई जनाब करते ना तो वो मैं बट साहब ने जिक्र कर रहा हूँ वो है उन्होंने आकर नो वो जो कुछ कर रहा ठीक कर रहा मैंने गलत वो वहाँ ठीक काम कर रहा है साथ साथ रिजल्ट 100% आ रहे हैं अब कैसी बातें करते हैं ऐसी बातें ये तालीम पे असर अंदाज है सही तो बस जनाब उस तो बाद में तो सामने गए दौर फिर इब्तदार नौकरी नहीं की थकी थी इब्तदार नौकरी ने हस्पताल तो की थी एज SST अच्छा जी
सही उथे कितना सर है उथे मैं 1.5 साल अच्छा लो 2 साल तक लो अच्छा फिर थे आप फिर थे ते इथे फिर उस वक्त केड़े नाथ सुन कुलीग खान इकबाल साहब आ गए खान इकबाल साहब आ गए चौधरी नवेद साहब है मलिक अब्दुल गफूर साहब सतवीं भी अठवीं भी रियाजी भी एक ही बंद अंग्रेजी भी एक ही बंद एक नामी जरा लड़का पहुंचना है वो नाम दसवीं पास होया कौन है अगवा कुतुब साहब से सरफराज साहब ने नेपाल इन साहबाना ने बड़ी मेहनत की थी उस तो बाद एक दूसरे शिफ्ट में आए ना पहले तो खान इकबाल साहब है इन शगिर्द है ना शगिर्द जी जी अब्दुल गफूर साहब है अनवर बेग साहब है उन्होंने बाद एक दूसरी टीम जारी आई ना इन्होंने भी ज्यादा मेहनत खान इकबाल साहब ने दसने मतलब कैसा शख्सियत है इकबाल साहब नाल हजार आए मलिक साहब मलिक फिरोज साहब इन दो आदमी जो है स्कूल रुगे रवा है अच्छा खान साहब हम वीर शख्सियत है हम वीर और वो शख्स पैदाइशी टीचर है प्राइमरी स्कूल तो सेल्फ मेड इंसान है एमए तक प्राइवेट किया और इनमें जी की टीचर और इन मतलब फिरोज साहब जो इन बहुत अच्छे टीचर है अच्छा अपने बहुत अच्छी मेहनती आदमी स्कूल तो पहले पहुंचना छुट्टी तो बाद घंटा बड़े देर तक बैठे रहने देर तक बैठे रहना सफाई करवा के बैठना करना दर, बड़े हेल्पिंग हैंड है इनको असल स्कूल ने जो नाम होया स्कूल की शोहरत हुई स्कूल की कामयाबी हुई इन लोगों ने मेहनत की वजह चौधरी नवेद साहब दादे परदादे पिंडी सेटल हो गए हुण भी उन्होंने बच्चे पिंडी है अच्छा जी जी अब्दुल गफूर साहब से पिंडी का है वो तो खबे इन्होंने रहायशी अच्छा तो खबे तो आए जी सही फिर वो अपने खिची साहब एक आए हैं अल्लाहबाद खिची साहब अल्लाहबाद खिची साहब उन थोड़ा अरसा रहे तो नहर शरीफ आज भी अपना काम करना रहा चुप दस किसी में कोई मसला मुझे बता दे दूसरों मामलात में टांग ना अड़ाएं कोई बंदा कोई आदमी किसी लड़के किसी कोई दोस्ती तल्ला कुछ भी आप अपना काम पढ़ाई का जारी रखें सही फिर अपने सारम साहब हैं गुलाम फरीद सारम साहब सारम साहब अरबी टीचर है ये किस जगह ने हैं इन आजाद कश्मीर में है जहाँ नाम याद है पर भूल गया और उन्होंने अतक कौन फौत हो गए अच्छा बहुत हो गए उन लड़का भी टीचर है अच्छा सर उन अरबी टीचर है एक दफा गए आजाद कश्मीर तो पुनः बी ए टीचर है बी एड है हैं जी तो कितने पैदल जा रहे हैं तो अगो सरदार अब्दुल कयूम खान आ रहा
सरदार को यूं फोत हो गया जी, फोत हो गए सरदार साहब आ गए, जो हाथ खड़े करें तो गड्डी खा गई, प्रोटोकॉल पिच बोली थी सारी खा गई। सरदार साहब मैंने आपको पहचान लिया था, आजाद कश्मीर का रहने वाला हूँ, पंजाब में थके खा रहा हूँ, अरबी टीचर लगा हूँ, फंसे जाऊँ यहाँ, मेरे लिए पूरे कश्मीर में एक ही जगह नहीं सुटे। उस वक्त आपने पीए होटल से कवायद नोट कर, आप इनसे रब्ता कर, हफ्ते बाद उन्होंने इंग्लिश टीचर वाला अच्छा अच्छा सरदार साहब प्रमोशन स्पेशल चले गया। फिर पौधा एक नूर मोहम्मद साहब उन्हें फारसी पढ़ाने हैं, नूर मोहम्मद साहब और उन्होंने मुताले कुछ इलम फैसलाबाद में है, फैसलाबाद जी फैसलाबाद सही उन दिनों वो तो कहते फारसी बाकी पर मोटे पारे जाए जी मोटे पारे जाए ते मतलब फजला ही उन्होंने देखिए तो साहब उन्होंने मन तो पाए चले गए दरमियान में थे और भी हेडमास्टर रहे। अच्छा अच्छा जी जी नियाजी साहब गुलाम न्याजी ये कतार मोहम्मद न्याजी है अजाम मोहम्मद न्याजी को तो मैं चार्ज लाया ना, उन्होंने अटक चले गए, अटक चले गए, पर ए यू एफ रेट हेड मास्टर है। अच्छा फिर ट्रांसफर करा के चले गए। सही है गुलाम मोहम्मद खान न्याजी बहुत जानदार हेड मास्टर को ना देखिए नहीं तो सुना नहीं नहीं देखे नहीं है लेकिन उन्होंने हिस्ट्री में पढ़ी पूछी है ना आगे पे। अच्छा बहुत डिसिप्लिन आदमी है कुरैशी नजीर जस्ट लाइक बने। सही जी सही नवी नस्ल बारे की तुसाना गुमान हो जो मौजूदा इस सारे समक के लिए जी 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 डॉक्टर साहब असी इन नई नस्ल ना ये जस्ट आफ्टर वी पीपल ए आई एस पर्सनल इंसाफ ना कर इंसाफ असी नहीं कर रहे बिल्कुल ना कर तालीम दी तवज्जो ही कोई तमाम बिजनेस छे सात स्कूल ऑफर किए लेकिन मैं इतना बद दिल हुए हूँ ना कि मैं तौबा कर गई। ए जी साहब साकू साहब है ना जी साकू वजीर वो नाराज होके गए मैंने उन्होंने जो प्राइमरी स्कूल है ना कमेटी जो उसमें सिफर फीसद नतीजा सारी मैडमा ही पढ़ाने आई उन्होंने पार्ट टाइम दो दो घंटे से रखी दे जोड़ी तनखा अच्छी दसा उन्होंने नोटिफिकेशन भी करा के दिया डी सी को ना 10,000 रुपया उस जमाने बड़ी पे भी मंजूर करा गई थी कहीं मतलब मीर ना कर किसी ने अगर ठीक है जी इन्हें अपने रंग चौने उसे वो जो माँ पता लगा मैं क्यों मैं तो जनाब मैं मादर से करवा चाहना मैंने बिल्कुल कम नहीं कर अगर तुम जमने किसी आदमी को पूछो ना मैंने अन्याय पर दुखना है स्कूल ने मतलब एक दिन से करवाना जमीन तो उठाया मैं आसमान तक ना इसे मेरी जाती बड़ी मेहनत है मैं दिहाड़ी पढ़ाने से राती मैं 10 महीने कापियां बेखना और इस पूरे से पहुंचा मैं उन आराम करना मैं कर, फिर दूसरा कम कोई है लोग कम नहीं कर रहे मैं खुद करना सकने साथ मैं ऐसा आराम समझना ये तनख्वाह है सब थोड़ी बहुत पेशकश है थैंक यू वेरी मच लेकिन मैं कभी नहीं मैं आई गारंटी यू ये नहीं किसी प्राइवेट स्कूल में मैं लाख रुपए उसे नहीं करूँ बस नमाज पढ़ूंगा तलावत करूंगा तफसीर पढ़ूंगा सैर करूंगा अपने आप जमा होगा चलो कोई बात हमें मैं कह वो आदमी अब ना आदमी तो ढेर लगे हुए हैं सारा शहर आप पर मुतफिक है मुस्लिम लीग पीपल पार्टी जमात इस्लामी तमाम लोग कहते हैं वो हो तो ठीक है बहुत मुझसे काम नहीं होता और वाकई जो एक्चुअली मैं था कि पूरी जायदाद बर्बाद हो गई जी खान जी बात जमीन से लोग कपड़े कपड़े बाट गए कुछ नहीं है कुछ नहीं है एक पैसे नहीं आमदन नहीं रही कह के थोड़ी लेकिन मैं आखा सुकून ही है जो कोई मेरे वास्ते मैं इस वास्ते डेडिकेट किया ਉਹ ਸਰ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਕਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਬੜ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁਣਾਦਾ ਹੈ ਸੋਚੀਦਗੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਓ तो कोई कब्रिस्तान में खड़े हो गए जो दूसरी बार मैं आकर सारे लोग मैं फत जंग रहना मैं ओढ़ना बिछाना फत जंग मैं फारे बहुत सा मैं आसा पर हितो लेकर दरिया हिंद मने लगा दरिया सिंध तक सारे शहर नाराज हो जो पहले को मुझे लेकिन स्कूल में कभी नहीं छोड़ी वाह स्कूल टाइम में और मेरा रिकॉर्ड है
खान साहब 33 साल 11 महीने में विदाउट ब्रेक एक स्कूल में था। किस आदमी माँ देखो स्कूल टाइम में बता एक दिन भी ना गया स्कूल टाइम में। कोई जिंदगी में आकर कोई मसरूफियात को मजबूरियां भी होती हैं फिर तुसी वो किस तरह होना वो छुट्टी के बाद अगर हो गया तो ठीक नहीं रिलैक्स ठीक है छुट्टी तरह पर जो ही साढ़े तरह घर पहुँच के कपड़े उतार के जनाब अपने नमाज पूरी चाह पीती खूब आराम की तरह दूसरी दिन सुबह वास्ते फ्रेश हो एक दिन भी लेट ना एक दिन मरना अजीब हादसा होया ये तुम दसन बड़ा जरूरी है कि भाई इस बाकी ना कोई आदमी 33 साल 11 महीने च नहीं आ सकता मैं गया तो कुर्सी से नहीं है एक दिन इस घड़ी ऑटोमैटिक घड़ी खड़ी हो गई मैं समझी नहीं मैं अपने मामूल ने मुताबिक पत्नी रहा अगर टाइम से नहाने वास्ते गया 7:30 बजे उस वक्त 8:30 है जब मैं नहा रहा ना जी स्कूल घंटी बज गई यकीन जानो सर्दियों ने दिन इस बाबजूद मैं पसीना आ गया मैं झट पट उस मतलब कुछ किया हाथ पैंट पाई कोट पाया चाहिए हसू खड़ खड़ की मैं हसू आखा लेट हो गए घड़ी रुक गई मैं समझ नहीं आ सकती चल अभी जैसे आए ना जी चौक हुए तो तबीयत घबरा गई भाई हूँ 2 घंटी होनी पे चो तो मैं लेट हो गया मैं हसू आखा हसू मैं दिमाग चकरा रहा तू मेरे अगे अगे चल ना पर मैं हाथ ना रखी बल सही कोई ना खा रहा बाहर निकलने ना इधर दम खान नहीं इसको जैसा मैं सामना तू जल्दी जल्दी रखा 2 घंटे 2 मिनट नंबर में पहुँच रहा था जैसे मोर कटना स्कूल के बाहर अजीज आ रहा है वहाँ तो ठा मारा घंटी उस मार दी उस घंटी बड़े ना रही अभी पहुँचने लड़के बाहर लेकर मैं असम्बली खड़ रहा हूँ पर मैंने टंगा कम नहीं घबरा गया मैं क्यों लेट हुआ अच्छा सारे उस बाद मैं तो पहले हाजिर था गया मैं हूँ हाजिर था और वो मैं सारी जिंदगी नहीं बोली एक याना साहब बड़े जैसे आए ने जी डी ओ उन्होंने उधर का सर्वोदय का वही नंबर उठा दे जंग स्कूल आ जाए हेडमास्टर बड़ा बहुत बड़े बड़े वो नहीं कर रहे वो जनाब जुमराती चार लैस जुम्मे दाड़े 12 बजे से आगे 5 मिनट कम 12 बजे गेट से आना अगर याना साहब हाँ जी आओ आने बैठने मैं आने जिस तारी तक सब हाजिर अगर सब हाजिर है मैं आगे बुलाओ भाई अभी सब हो अगर नहीं बुलाने मैं कहना जी आप फिजिकली देख भी लें और आप लोग तारुफ कराएंगे आपसे सारे आ रहे पुंजी ने पुंजी आदमी हाजिर है फिर कमाल है मैं कह जी हमेशा ऐसे ही होते रहे आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं मैं कहा फरार टाइम चुकाऊँगा आप जब भी आएंगे इन लोगों को यहाँ मौजूद पाएंगे और मुझे फिर उस बोले फरार टाइम पंजी आदमी आधी लगी पंजी मौजूद है और बड़ी सेफ्टी एजुकेशन आया अपनी गेम जा रहा है साइट देखने वास्ते कॉलेज वो जना बारिश हो रही है हवा चल रही बड़ी ठंडी हवा है कोई बार बोर्ड लगा था ना गवर्नमेंट हाई स्कूल तो वो डायरेक्टर अपना DPI भी नाल आना ये हाई स्कूल है अगर देखना नहीं अगर डायरेक्टर तो परेशान हो गया पता नहीं बंदा भी है जरूर देख गेट के अंदर दाखिल होने साल हेडमास्टर बना के हेडमास्टर साहब तो हसनबदार गए हैं आज हेडमास्टर की मीटिंग है वहाँ ऑर्डर बुक कर गए जी ऑर्डर वह कर लिया उन्होंने फिरना शुरू कर दिया साइंस रूम तो लैके 6ठी ए तो लैके 10वीं ए